जाटों ने देश के लिए क्या किया, देश में जाटों का क्या है महत्व, हम बताएंगे आपको जाटों का इतिहास सिर्फ जाट जागरण के साथ। जय जाट। सभी जाट भाई और बहनों को नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि हम समय समय पर गोत्रों की हिस्ट्री, गांव की हिस्ट्री, व्यक्तियों की हिस्ट्री, स्थानों की हिस्ट्री जो कि जाटों से रिलेटेड है वो आपके सामने लेके आते हैं। हमारी नज़र में सारे जाट भाई एक हैं, चाहे मुस्लिम जाट हो, चाहे क्रिश्चियन जाट हो, चाहे सिख जाट हो, चाहे बिश्नोई जाट हो, चाहे अंजना जाट हो, चाहे क्रिश्चियन जाट हो, चाहे जैन जाट हो। जो भी जाट भाई इस वीडियो को देख के, कृपया इस पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। दूसरी बात, भाइयों और बहनों, किसी भी जाट भाई को अगर रिश्ता ना होता हो, बच्चों की शादी या ना मिल रहा हो, तो हमें कृपया पीतम्बर कार्यालय में मिले, हमारे फ़ोन से बात करके आप आ सकते हो। मैं बायोडाटा भेजें, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। यदि आपका लड़का है तो लड़की की देंगे, लड़की है तो लड़के की देंगे। ये जो हिस्ट्री है इसके सूत्र अलेख रेख है। जैसे कहीं हमारा लिखित वर्णन है, कहीं सिक्के हैं, कहीं हथियार है, कहीं गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हैं, कहीं भाट है, कोई पोथी हैं, कई किंवदंती हैं, जैसे कहानियाँ हैं, गीत हैं, ये उन सब से ली जाके कंबाइल करके पूरी की पूरी पहचान बनाई गई है। आज जिस गोत्र के हम हिस्ट्री लेके, इतिहास लेके आपके समक्ष हाजिर हुए हैं, वो गोत्र है दूहन। काफ़ी शोध के बाद हमें दूहन की तीन जो है मिथोलॉजी या यू कैन से तीन विचारधारा पकड़, इनको कहीं पांगल भी बोला गया है और कहीं दूहन भी बोला गया है। ये देखिए, विचार भाषा की वजह से हो सकता है। पहली थ्योरी वो ये है कि एक महाराज थे सूरद, उनका जो दूसरा पुत्र था उसका नाम दूहन, और उस दूहन से जो आगे लोग निकले वो दूहन कहलाए, कहीं ये दानीवाल भी कहा जाता है इनको। जैसे कि ज्ञात भाई और बहनों, पहले पैसा सोना चांदी प्रॉपर्टी तो थी नहीं। जो लोगों के पास मेन जो होता था गोधन होता था, या गोवंश समझो या जानवरों को समझो, उस जानवर से जो इनकम होती थी दैट वाज कॉल्ड द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एनी स्टेट्स, या राष्ट्र की जो संपत्ति होती थी। ऐसा भी ज्ञात है इस थ्योरी के मुताबिक कि इनका एक संघ था जिस संघ में कृष्ण भगवान भी शामिल थे। दूसरी थ्योरी, वैदिक काल में जैसा कि आप जानते हैं जब चार वेद लिखे गए, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, और ये चारों वेदों का जब रचना हुई तो वैदिक काल में नदी का नाम था दूहंस, और इस नदी किनारे जो रहते थे वो दूहंस ही कहलाए। यह नदी आज भी हरियाणा में बहती है, लेकिन कहते हैं इसका आकार बहुत छोटा हो गया है। तो आपसे निवेदन है, यदि नदी की और भी कोई सोर्स मिलता है आप हमें अवश्य कमेंट करें और बताएं, ताकि हम अपनी जो दूहन गोत्र भाइयों की हिस्ट्री में ज़्यादा इसमें और इजाफा कर सकें। तीसरी थ्योरी, ये देहरादून से रिलेटेड है। कहते पहले देहरादून के आसपास जो जंगल थे इसके अंदर दूहन भाई रहते थे, और इनका पूरा का पूरा इलाका था। वहाँ से निकल के आगे बढ़े तो वहाँ से दूहन जो है इनको अपना नाम लगा और आगे बढ़ते गए। चूंकि उस समय कारोबार में पहले बता चुका हूँ गोधन या जानवरों का होता था, और ये घूमते भी रहते थे। कहते घूमते घूमते के बाद तो शाम के निकट बगानवाड़ा गाँव पहुँचे, जिसको इन्होंने विकसित किया। आज भी क्षेत्र को ढाणी माहू आदि गांव या आसपास ढाणी माहू के आसपास इनको ढाणी माहू के नाम से जानते हैं, या गांव के नाम और भी हैं। अब हम आपको इस गोत्र की कुछ बातें और बताते हैं। पूर्वजों के कथन के मुताबिक, ये एक देखिए कई चीज़ें हैं यहाँ, कथन मतलब एक दूसरे जो कहते हैं आ रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान की फौज में कुछ अफसर थे, मतलब हो सकते जनरल हो, कर्नल हो, उनका कोई रैंक हो सकता उस समय। जब उसकी लड़ाई मोहम्मद गोरी से हुई थी तो दूहन लोगों ने यहाँ पर आके मदद की थी, लेकिन जब आप जानते पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, तो उनमें से कुछ जो दूहन भाई निकल के जसिया गांव है हरियाणा में, वहाँ जाके बस गए थे। वहाँ पर कुछ लोग अपने आप को दून लिखते हैं, कुछ दूहन लिखते हैं, तो एक कंट्राडक्टरी ना करें कि कुछ भाषा की भी इसकी विषय थे। ये दो है, एक राजा नत्था सिंह मूड और लखा सिंह के नाम से आज भी जो है दो पान्ने समझिए, या जो भी कुछ दो वो समझिए लोगों की जो अलग अलग कह सकते हैं बसावट है, वो के नाम से प्रचलित आज भी बता। वहीं इतिहासकार कथित तौर पर कलानंतर में तोशाम जो कि एक किला था, जैसे कि आप जानते पहले दुश्मनों से डाकुओं से बचने के लिए किले बनाए जाते थे, और किले के अंदर जो रहते थे राजा बादशाह वगैरह कहलाते थे, तो वहाँ एक बादशाह था।
वो बादशाह मुसलमान था, उसकी एक थ्योरी थी सभी हिंदुओं को हम मुसलमान बना दें। और एक दूसरा किला था दुजाना किला, जो रोहतक के आसपास था, रोहतक में समझ सकते हैं आप। तो ये जो बादशाह का जो मुसलमान था, ये इसके अंदर सूबेदार जो थे उस समय मौजूद थे, वो तो आप जानते कन्वर्जन का पीरियड था, हिंदुओं को मुसलमान बार बार बनाया जा रहा था। तो उन्होंने जब इनको मुसलमान बनाने की कोशिश करी तो इन्हें रिवोल्ट कर दिया, काफ़ी संघर्ष हुआ, बहुत से लोग मारे गए दोनों तरफ से। तो शुरू में तो कहते हैं कि दुहन भाई जीते थे। तो बादशाह ने फौज के लिए, दिल्ली का जो सुल्तान था वो मुसलमान था, उससे मदद मांगी। अब देखिए, एक तरफ तो थोड़े से आदमी, एक तरफ पूरे सुल्तान की फौज, तो क्या होगा आपको मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमारे दुहन भाई वहाँ हार गए। कहते हैं यहीं से कुछ दुहन भाई मुस्लिम भी बने थे, लेकिन मेजोरिटी जो है छोड़ के यहाँ से निकल गए थे। और यही वजह है कि आज जो दुहन एक स्थान पर नहीं मिलेंगे आपको, जैसे मलिक है, दैया हैं, बेनीवाल हैं, पुनिया है, इनकी खाप की खाप इकट्ठी हैं। खाप मतलब 80 गांव 50 गांव, इनके एक एक दो दो गांव हैं दोनों भाइयों के। और इनके गांव भी जैसे ना डिफरेंस दूर दूर है भाइयों, जैसे देहरादून हो गया, राजस्थान में हो गया, जैसे जसिया हो गया, मतलब ये 5-5 10-10 गांव भी नहीं है। और ऐसा कहते हैं कि जो वो तोसाम का जो मुसलमान था, उसने दोनों भाइयों के सर पे मोर का पंख लगवा दिया था एक पहचान के लिए। और यहाँ से देखिए एक अलग गोत्र का फिर निर्माण हुआ, इसका नाम पंखवाल हुआ या पंघाल। यहाँ से देखिए पंखवाल और पंघाल आता है, लेकिन इनका जो सोर्स है वो दुहन ही है। आज भी इनका भाईचारा है, एक दूसरे में कहते हैं आपस में रिश्ते नहीं होते। एक गांव है जिसका नाम बरवाड़ा है, जो हिसार के पास टोहाना के आसपास है, इसमें पंघाल गोत्र के लोग ज़्यादा हैं। जैसे मैंने बताया ना, जो कुछ बार रुक गए थे, कुछ भाग गए थे, जो रुक गए थे पंघाल हो गए। चलिए अब हमें जिन गांव का पता लगा है दोनों भाइयों का, पलवल में गांव है रायदासा का दुहन, यहाँ सारे दुहन भाई बसते हैं। इस गांव की पूरी जो आबादी है वो दुहन भाइयों की है। यदि किसी और की भी हो तो बता दें भाइयों, संकोच ना करें, हम आपके भाई हैं। और जो गांव इनके नाम बताओ, पेटवाड़, चाणोत, मोट, सुलचाणी, जामनी खेड़ा, ये हिसार में आते हैं, हम आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज बता रहे हैं। कुंवारी, फफड़ाना, शहर मालपुर, ये पानीपत डिस्ट्रिक्ट में भाइयों और बहनों। जसिया जो कि मैंने पहले उल्लेख किया, ये रोहतक में है। ढाणी माहू भिवानी में है। जामनी जींद में है, कटवाल सोनीपत में है। चलिए भाइयों और बहनों, अब आप हम उनको बताएंगे जिन्होंने जाट कौम का नाम फकर से रोशन किया और अपने समाज के लिए भी, अपने देश के लिए भी काम किया। चौधरी सत्यवीर सिंह दुहन, ये पूर्व प्रिंसिपल और उद्योगपति थे किसान कॉलेज जींद के, अर्बन स्टेट जींद गांव में, बहावलपुर के कच्चे सुशिक्षित विद्वान, शिक्षार विद्यार्थी, समाज सेवक थे। और ये काफ़ी प्रभावशाली बताते हैं इनको। चौधरी कालूराम, गांव पेटवाड़, इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। चौधरी सुरेंद्र दुहन, ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं सोनीपत के। जसवंत दुहन, इनका फाइनेंस का काम है दिल्ली में, किसी भाई कोई मदद हो तो कर सकते हैं ये। चौधरी धर्मवीर सिंह दुहन, ये शिक्षक थे मुखलनी गांव के, हरियाणा हिसार जाट समाज कल्याण परिषद ग्वालियर के सदस्य रहे। जो ये ऋषिराम दुहन है, ये हिसार जाट समाज कल्याण परिषद के हैं। और इन्होंने बताया कि कुछ जो है और भी भाई हमारे ये ग्वालियर में रहते हैं। सुरेंद्र पाल सिंह पुत्र जय सिंह दुहन शास्त्री नगर में रहते हैं। रजवी एडवोकेट पेटवाड़ के ही निवासी, हांसी के, समाज सेवी हैं और अच्छे अधिवक्ता है। मंदसौर जिला जाट समिति का चुनाव जब 1992 में, तो यहाँ के मुख्य जो थे वो हरलाल दुहन, सादड़ी छोटी सादड़ी जनपद के अध्यक्ष बने थे ये। पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर में जिला जाट सभा चुनाव जब संपन्न हुआ था उसमें जीते थे। श्री प्रेम सिंह, ये डिप्टी एडवोकेट प्रेम सिंह दुहन, डिप्टी एडवोकेट जनरल हिसार के, हरियाणा के रहे। इनका गांव सुलचानी जिला हिसार में है। इनके छोटे भाई ओम प्रकाश दुहन,
ये अध्यापक हैं, राजकीय महाविद्यालय कालकाज में कार्यरत हैं। अगले हमारे भाई हैं श्री अभिमन्यु शास्त्री। देखिए ये जो अभिमन्यु शास्त्री हैं, इनकी जो धर्मपत्नी थी, ऐसे व्यक्ति की लड़की ब्याही गई थी, उसका नाम था भगत फूल सिंह मलिक, जिन्होंने कन्या गुरुकुल खानपुर की स्थापना की थी। और इन्होंने एक नहीं कई जगह की थी, भैंसवाल कला में की थी। इन्हें इनकी सपुत्री पद्मश्री इनको प्राप्त हुआ था। आचार्य सुभाषिनी इनका नाम था, सुभाषिनी, जो कि वृंदावन में कन्या गुरुकुल खानपुर कला की जो एक शाखा है उसका संचालन कर रही हैं, उनका संचालन कर रही थी। वे संस्था की कुलपति भी रही। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम श्रद्धा से सब जाट भाइयों को लेना चाहिए। और आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा इवेंट हो पर जाटों से रिलेटेड हो, भाइयों बहनों, कृपा हमें लिख के भेजें, चाहे जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, जो भी कुछ है उसका विश्लेषण करके हम उसको अपनी जाट मैगजीन में भी डालेंगे। और आप लोग जैसे बता रहे, अपना नाम फ़ोन नंबर शेयर अवश्य करें, क्योंकि हम डायरेक्टरी बना रहे एरिया वाइज पूरी वर्ल्ड की, ताकि जब हम बनाएं आपको बेच सके। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए, जय जाट, धन्यवाद।